एक्चुअली दिल्ली में पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से कि पिछले चार साढ़े चार साल में जो मोदी सरकार की नीतियां हैं वो नीतियां के तहत कुछ लोगों का हित और स्वार्थ साधने की बात सरकार कर रही है, और सरकार ये भूल रही है कि भाई ये देश ये सारे लोगों का है, सभी समाज के लोगों का है, सबको उसमें भागीदारी हिस्सेदारी और मान सम्मान की ज़िंदगी चाहिए। लेकिन सरकार ये भूल चुकी है, और कुछ जो ब्राह्मणवादी ताकते हैं, फंडामेंटलिस्ट ताकते हैं, उनको लेकर सरकार उनका फ़ायदा पहुंचाने में लगी है। इसी के तहत देश को जो गरीब तबका है, मजलूमों का तबका है, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक हो, उनके ऊपर जुल्म जाति का जितना कहर मोदी सरकार के कालखंड में हो रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी जो कठुआ बलात्कार कांड का आपने जिक्र किया, या उत्तर प्रदेश में उन्नाव बलात्कार कांड है, या गुजरात में सूरत बलात्कार कांड है, या महाराष्ट्र में एक आदिवासी लड़की के ऊपर अभी फिलहाल बलात्कार हुआ, तो ऐसी घटनाओं में ज़्यादा तो भाजपा संघ परिवार से लिप्त जुड़े लोग हैं। पहले ये गोरक्षा के नाम पे लोगों को तकलीफें देते थे, अब बहुजन समाज की लड़कियों की भी आबरू सुरक्षित नहीं रही है, और ये सरकार कुछ लोगों के लिए काम करती है, उसमें ज़्यादा फायदा यहाँ के उद्योगपति है, धन्ना सेठ है, करोड़पति है, जो मोदी और उसके पार्टी के मित्र है, दलाल है, उनको ज़्यादा पहुँचाने का काम सरकार करती है। तो इसका निषेध करने के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से कि ये सरकार को बताने कि भाई ये देश सबका है, और वेलफेयर पार्टी के साथ साथ हम जो बाकी भी है नेशनल बहुजन अलायंस के दल वो भी यहाँ मौजूद है, और इसलिए मैं आज खुद भी यहाँ मौजूद हूँ। सर, देखा जाए तो ये जो फांसीवादी सरकार है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, या इसके अलावा राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जहाँ भी इनकी सरकार है, चाहे वो योगी की सरकार हो, या वसुंधरा राजे की सरकार हो, या देवेंद्र फडणवीस की सरकार हो, जहाँ जहाँ इन लोगों की सरकार है वहीं दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को मतलब छलने का काम किया जा रहा है, उनकी असमत लूटने का काम किया जा रहा है, या इसके अलावा जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश किया जा रहा है, तो उसको आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, तो क्या ऐसी फांसीवादी सरकार 2019 में रिपीट होनी चाहिए या ख़त्म होनी चाहिए? ये बात तो भाई 2019 में ये अभी देश के लोगों ने तय किया है कि एक बार गलती की है। गुजरात के छोटे व्यापारी जिन्होंने जिंदगी भाजपा के साथ लगाई, उन्होंने भी गुजरात चुनाव के समय में एक ही भूल कमल का फूल का नारा दिया था। तो भारत के लोग इतने परेशान हैं, भाजपा के खुद के समर्थन, आप तोगड़िया को जाकर पूछे कि क्या वो मोदी से खुश है, तो वो कहेगा जितना मोदी मुक्त भारत जल्दी हो जाएगा उतना तोगड़िया हो, महाराष्ट्र की शिवसेना हो, या राज ठाकरे जैसे लोग हो, अब सारे परेशान लोग भारत मुक्त, मोदी मुक्त भारत की बात करते हैं। दलित, मुसलमान, पिछड़ा तो करता ही है, लेकिन बाकी लोग भी करते हैं, और इसलिए 2019 में मोदी सरकार को सत्ता से चले जाना ये बात तय है। सर, एक छोटा सा सवाल और मैं अभी करना चाहूँगा आपसे। अभी हाल ही में जो 2 अप्रैल की घटना के बाद में जो एक परिवेश में बदलाव आया है, तो देखा जाए तो रामदास अठावले साहब को गुजरात में उनका मुंह काला गया, उनको काली चुन्नी उड़ाई गई, इसके अलावा गाजियाबाद मतलब दिल्ली की अगर हम बात करें अंबेडकर भवन की, तो हर्षवर्धन को वहाँ से मंच से भगाया गया, इसके अलावा जम्मू की बात करें तो वहाँ भी इनके विधायकों की पिटाई हुई, इसके अलावा अगर हम जो है राजस्थान की बात करें तो वहाँ भी इनके विधायकों को और मंत्रियों को भागना पड़ा, तो क्या ये परिवर्तन की लहर कहाँ तक काम कर रही है? यही मैं जो कह रहा था पहले कि लोग इतने त्रस्त है। आपने जो बताया कल बॉम्बे में एक ट्रेन में बीजेपी का नेता घुस गया तो लोगों ने उसको नीचे उतार दिया कि भाई इसको बाहर निकालो, क्योंकि ट्रेन में एक छोटी 10 साल की बच्ची ये ट्रैवल कर रही है, ये कह के बीजेपी के नेताओं को ट्रेन से उतार दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे रामदास अठावले हो, चाहे दिल्ली का उदित राज हो, या भाजपा के और अन्य दलित या पिछड़े मुसलमानों के नेता हो, इनको अब दुनिया इतनी त्रस्त है, लोग इतने त्रस्त है कि इनके लोग मुंह देखना नहीं चाहते, इनकी सूरत नहीं देखना चाहते, और इसका नतीजा चुनाव में 2019 में देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माने सर आपका, थैंक यू।